हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना बताऊंगी ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती है तो आप देखिए कि इसको किस तरह से बनाएंगे यहाँ पर मैंने प्लाज़ो को पहले से कट कर लिया है तो आपको भी प्लाजो पहले से कट कर लेना है और ये इस तरह के आपको कपड़े के पीसेस कुछ कट कर लेने हैं जिससे आपको डिज़ाइन बनानी है ठीक है और ये पतला सा गोटा आता है आप ये ले लीजिए इसी से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे तो ये छोटे छोटे से पीसेस हैं आपको जितना बड़ा या छोटा रखना है उतना आप ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर शेप का पीस लिया है और इस तरह से इसको फोल्ड किया है आपको यहाँ पर पतला सा गोटा लेना है और इस तरह से इस पर अटैच कर देना है ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया है अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि हमारा नीचे का जो गोटा है वो भी साथ में सिल जाए ताकि डबल डबल सिलाई नहीं आए तो आप ये ध्यान रखिए कि ये दोनों गोटा जो है हमारा वो एक साथ सिल जाए यहाँ तक लाएंगे एक बार इधर घुमाएंगे सुई को और फिर वापस इस तरह से कर देंगे आप सिंगल सिलाई मत रखिए उसमें गोटा इधर उधर से उठेगा तो गोटे के दोनों साइड आप सिलाई करिए ताकि वो अच्छे से सेट से से हो जाए तो देखिए इस तरह से मैंने ये लगा दिया है इसी तरह से आपको सारे पीसेस बना लेने हैं कि देखिए सब पीसेस मैंने बना के तैयार कर लिया है और आप क्या करें इनको यहाँ से अगर कॉर्नर्स निकले हैं तो आप उनके फिनिशिंग कर दें धीरे धीरे से इस तरह से सभी को कट कर दीजिए तो वो बहुत अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी और आप हमेशा ध्यान रखें कि ये हमेशा एक साइज़ के रहें ठीक है थेके? अगर साइज़ आपका चेंज रहेगा तो डिज़ाइन में भी डिफरेंस लगेगा और डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी तो ये हमारा पैंट है तो ये हम आप दिखाते हैं आपको ये हमारे दोनों पल्ले हैं ठीक है थेके? उल्टा सीधा आप पहले से देख लें ये हमारा उल्टा साइड है ठीक है इसमें मैंने नीचे से फोल्ड करने के लिए सिर्फ़ हाफ़ इंच लिया हुआ है ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी सेम कलर की पट्टी लगा के इसको फ़ोल्ड करना है तो मैंने यहाँ से इसको हाफ़ इंच बस लिया है अब हम साइड से इस साइड से हाफ इंच यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा और हाफ़ इंच हमारी पट्टी आ जाएगी पलटने पर तो यहाँ से करीब हम दो इंच छोड़ देंगे उसके बाद हम इन्हें रखेंगे इस तरह से आपको इन पीसेस को इस तरह से सेट करना है कि जब आप इस पर आधा इंच सिलाई कर देंगे तो आपका पीसेस का जो साइज़ है वो एकदम सेम सेम आए क्योंकि देख लीजिए जब आप उसको इस तरह से रखेंगे तो आपका करीब आधा इंच सिलाई में चला जाएगा आप अपने साइजेस को चेक भी कर लें एक बार और करीब दो इंच छोड़कर आपको इस तरह से रखना है ताकि आधा इंच सिलने के बाद आपके कॉर्नर्स भी मिलते रहे और आपका जो पीस का जो साइज़ बाहर दिखेगा वो बिल्कुल सेम साइज़ दिखाई दे इस तरह से हमारा ये सिलाई में चला जाएगा तो आपको इस तरह से रखना है देखिए तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया है पीसेस को अब पहले हम क्या करेंगे इनको हम सिलाई लगा कर सैट कर लेंगे कॉर्नर्स अगर उठते हैं तो आप अच्छे से दबाते रहिए तो यहाँ से इसकी सिलाई लगाते रहेंगे ताकि हमें ऊपर का पल्ला सिलने में कोई भी परेशानी नहीं आए फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल लगे तो ज़रूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक करें तो देखिए इस तरह से मैंने इसको लगा दिया है ये पीसेस और कहीं कहीं पे लगता है आपको कॉर्नर उठ रहा है तो आप इसको पिन से सेट कर सकते हैं दबा सकते हैं ये देखिए सभी पीसेस को आपको इस तरह से लगा लेना है बराबर से तो ये मेरे पीसेस लग गए हैं कहीं कहीं से अगर आपको लगता है कि कॉर्नर्स आपके बाहर निकल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा फिनिशिंग के लिए तो आप उसे कट कर दीजिए इस तरह से ये मैंने कट कर दिया है अब हमें यहाँ से देखिए इस पर अपने दूसरे पल्ले को रख कर यहाँ पे इसकी सिलाई लगा देनी है तो ये हमने रख लिया है सिर्फ हम आधा इंच से सिलाई करेंगे क्योंकि हमने जो पीसेस बनाए हैं वो इसी के अकॉर्डिंग बनाए हैं कि आधा इंच जब हम सिल देंगे तो उसका साइज़ बिल्कुल ठीक से आएगा तो हमें आधा इंच के हिसाब से इस पर सिलाई लगा देनी है सिलाई हमारी लग चुकी है देखिए इस तरह से हमारे पीसेज आ गए हैं बनकर यह आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रंट साइड में इनका जो रुख है वो उधर की तरफ रखना है फ्रंट की तरफ तो आप इस तरह से फोल्ड करें और ऊपर की सिलाई आप ऐसे लगाएं ताकि ये आपके जो फ्रंट वाला पल्ला है उस पर अच्छे से सेट से हो जाए तो ये हमने ऊपर की सिलाई लगा दी है इस तरह से आपको भी लगा देना है ये हमारी सिलाई लग चुकी है सारे पीसेज़ हमारे बिल्कुल फिनिशिंग से आए हैं एक साइज़ के अब यहाँ पर मैंने डबल पट्टी को लगा दिया है इस तरह से आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं मैंने इसको लगाकर कर आधा इंच के हिसाब से यहाँ पर फोल्ड कर कर ऊपर से सिलाई लगा दे रही हूँ ये हमारी पट्टी लग चुकी है आप देख सकते हैं इसी तरह से आपको लगा लेना है अब हमें यहाँ पर इसको बटन से डेकोरेट करना है आप इस पर हाफ मोती भी लगा सकते हैं और बटन भी लगा सकते हैं तो देख सकते हैं हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी है थैंक यू फॉर वॉचिंग